बिलासपुर में कांग्रेसी नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में चांदपुर स्थित गौशाला में गायों को आटे के पेड़ खिलाए और उनके लिए चारा उपलब्ध करवाया। सभी कांग्रेस नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि प्रदान की। इस अवसर पर विधायक एवं कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष तिलकराज शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह द्वारा करवाए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के कारण उन्हें लोग आज भी याद करते हैं। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर बाबूराम गौतम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का प्रदेश के विकास में अहम योगदान रहा है। उन्होंने उनके द्वारा करवाए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कांग्रेस संगठनों से जुड़े लोग मौजूद रहे। आज राजा वीरभद्र सिंह जी की पुण्यतिथि यहाँ पे मनाई गई और माननीय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के पूरे हिमाचल प्रदेश में विकास के इतने कार्य हुए हैं कि जिसके कारण आज इन्हें विकास पुरुष के नाम पे जाना जा रहा है। जहाँ तक मैं बात करूँ अपने सदर चुनाव क्षेत्र की, सदर चुनाव क्षेत्र में वीरभद्र सिंह जी के इतने माइलेज स्टोन हैं कि उनको मैं गिनाने लगूँ तो उसके लिए एक काफ़ी वक्त मुझे चाहिए। लेकिन मैं अपनी पंचायत की बात करूँ यहाँ पे पीने की पानी की स्कीम के लिए नोक चांदपुर के लिए 1 करोड़ रुपए राजा वीरभद्र सिंह जी ने दिया और स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने यहाँ पे जो है अली खड्ड का पुल हमारे इलाके में बनाया और यहाँ पे जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिया और इसके साथ ही हमारे यहाँ पे जितने भी रोड को चौड़ा करने की बात है बामटा से कंदरौर तक 1.93 करोड़ रुपए की राशि दी और उसके अलावा हमारे यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का बिग बोर बल्ब लोहाड़ा में किया, मिडिल स्कूल दिया, पंचायत अलग बनाई, बैटरी डिस्पेंसरी दी और भी हमारे इलाका जो चांदपुर के साथ कंदरौर पंचायत है वहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 55 लाख रुपए की लैब बनाई। और मैं कहना चाहूँगा कि वीरभद्र सिंह जी के पास जो भी मांग लेके हम उसमें गए उस मांग को उन्होंने पूरा किया। आज यही कारण है कि लोगों में उत्साह है, आज भी लोग इनको याद करने के लिए भारी संख्या में यहाँ पे चांदपुर में यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे गौओं की सेवा के लिए लोगों ने राजा वीरभद्र सिंह को याद किया और गौओं को पेड़े देकर और चारा देकर आज यहाँ पे उनको समर्पित किया गया। कांग्रेस सेवा दल के तत्वावधान में तिलकराज शर्मा जी जो सेवा दल के जिला के अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में यहाँ चांदपुर में ये कार्यक्रम राजा वीरभद्र सिंह जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रखा गया। उनका विशेष योगदान हिमाचल प्रदेश के लिए अविस्मरणीय योगदान है और हिमाचल प्रदेश के लिए ऐसा नेता होना मैं समझता हूँ कि बहुत कठिन बात है। आगे भविष्य में असंभव लग रहा है कि वीरभद्र की तरह कोई नेता हो और चांदपुर के लिए राजा वीरभद्र सिंह जी का जो विशेष योगदान रहा वो अली खड्ड का पुल है, जो अली खड्ड का पुल 11 करोड़ रुपए की लागत से बना उसके लिए वीरभद्र सिंह जी ने पैसा भी जुटाया और उसका काम भी काफ़ी तेज गति से करवाया और हर बार उन्होंने इस पुल के लिए विजिट भी किया खुद। यहाँ पर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना वो भी वीरभद्र सिंह जी की देन है और चांदपुर के विकास के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किया। इस उपलक्ष्य में सेवा दल की तरफ से गांवों को पेड़े भी दिए गए और यहाँ जो गांव के लोग आए थे, ये जो सेवा दल के जिले के पदाधिकारी लोग आए थे, उन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और सभी ने वीरभद्र सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की अपनी तरफ से उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। तो मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश ऐसे नेता के चले जाने से एक नेतृत्व विहीन प्रदेश बन गया है, ऐसा मैं समझता हूँ। बिलासपुर से न्यूज़ सुपर भारत के लिए परविंदर शर्मा की रिपोर्ट और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।